तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ नेट प्लस ब्रॉडबैंड फाइबर के बारे में। तो भाई मेरा लास्ट मंथ है, सितंबर का महीना चल रहा है, 2023 है और लास्ट मंथ है। अब मैं नेट प्लस यूज़ नहीं करूँगा, मैं कनेक्शन कटवा दूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि मेरे को नेट प्लस ब्रॉडबैंड लगवाई को हो चुके हैं लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लगभग मैंने 2022 में लगवाया था मार्च के महीने में। और मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपने लगवाया हुआ है तो भी आप देख सकते हैं, कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन बता के ही मैं आपको जाऊँगा। तो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है नेट प्लस ब्रॉडबैंड को लेके। भाई अगर मैं बात करूं कि जब मैंने पहले पहले लगाया था नेट प्लस ब्रॉडबैंड, तो मेरे एरिया में, मैं जलंधर पंजाब की बात कर रहा हूँ, मेरे एरिया में इनका सर्वर बहुत डाउन होता था पहले पहले। ठीक है, सर्वर डाउन हो गया फिर चालू हो गया। डाउनलोड तो पहले से ही ठीक आती थी और अपलोड भी पहले से ठीक आती थी, ठीक है। बट ऐसा होता था सर्वर डाउन हो जाता, दो दो घंटे बंद रहता था। बट इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया, सर्वर डाउन वाला इशू काफ़ी कम हो गया, काफ़ी हद तक कम हो गया। अब सर्वर डाउन वाला इशू होता नहीं है, ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है, अब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बट आप बोल रहे होंगे, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि सितंबर का महीना चल रहा है, 2023 चल रहा है, मैं कटवाने वाला हूँ, मैं क्यों कटवाने वाला हूँ। भाई मैं फंस गया था 5 मंथ का इकट्ठा बिल दे के, जो कि 5 मंथ का बिल दोगे तो 1 मंथ फ्री मिलेगा, मतलब टोटल 6 मंथ आपको मिल जाएगा, दो जो कि होता है 2945 रुपीज़ हो जाते हैं टोटल, जो इनकी 5 मंथ की जो पेमेंट है, जो आप 499 GST लगा के 590 रुपये वाला अगर प्लान लेते हो, तो अगर आप इकट्ठी पेमेंट करते हो तो आपको 100 MBPS की स्पीड भी देखने को मिलेगी। ये पुराने कस्टमर के लिए है, ठीक है, जो पुराने हैं। बट अभी जो नए कनेक्शन लग रहे हैं उनमें सीधा डायरेक्टली ये 100 MBPS की स्पीड दे रहे हैं, ठीक है। ये बात मुझे अभी मालूम चली क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भाई हैं, वो मेरे को बता रहे थे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। भाई झूठ नहीं बोल रहा, पहले जो पुराने कस्टमर है उनको ऐसा ही करना पड़ेगा, 5 मंथ का या 3 मंथ का इकट्ठा बिल देना पड़ेगा, तभी उनको 100 MBPS स्पीड मिलेगी। अगर आप नए कस्टमर हो, नया कनेक्शन लेने जा रहे हो, तो आपको सीधा ही 100 MBPS स्पीड देखने को मिल जाएगी। बट नोट करने वाली बात ये है, जब से इन्होंने 100 MBPS की स्पीड देनी शुरू की है तो इनके सर्वर पे काफ़ी लोड पड़ गया है, ठीक है। बात करें कि मैं क्यों कटवाना चाहता हूँ, तो भाई मैं एक जॉब करता हूँ, ठीक है। जॉब में ऐसा होता है कि मैं विदेश का जो टीवी चैनल है मैं उसको हैंडल करता हूँ, मुझे ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है, ठीक है, जो कि लगभग 20 घंटे हो जाती है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग पहले तो बढ़िया होती थी, बीच में इनकी ख़राब होने लगी, बफरिंग होने लगी, जैसे हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, ठीक है, वैसे ही वो ब्रॉडकास्टिंग होती है लाइव, ठीक है, वो टीवी चैनल होता है, ठीक है। उसमें दिक्कत आने लगी थी, ठीक है, फिर ठीक हो गया। अब 3 मंथ से लगातार ये दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। बट मेरे पास BSNL फाइबर भी मेरे पास अवेलेबल है, तो BSNL फाइबर की बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ वही टीवी चैनल, वही जॉब मैं जो कर रहा हूँ, मैं नेट प्लस का इंटरनेट हटा देता हूँ तो मैं BSNL फाइबर का लगा देता हूँ, तो बफरिंग देखने को नहीं मिल रही, बिल्कुल स्टेबल लाइव हो रहा है। बट जैसे ही मैं नेट प्लस को लगाता हूँ अपनी जॉब को, जैसे ही मैं नेट प्लस लगाता हूँ अपना वर्क करने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, जॉब अपनी टीवी को हैंडल करने के लिए, भाई लाइव स्ट्रीमिंग में बफरिंग आने लगती है। बट मैंने ये चेक किया कि फेसबुक पे भी लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आती है, जहाँ फिर यूट्यूब पे भी होती है, बट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग पे प्रॉब्लम नहीं आती। ये जो हमारा एक स्पेसिफिक सर्वर होता है, RTMP सर्वर जो होते हैं, ये एक स्पेशल लिंक होते हैं जिसके द्वारा जो सारे टीवी चैनल चलते हैं, जैसे कि सोनी हो गया, जैसे कलर्स हो गया ना, इनके एक डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं RTMP जो होते हैं लिंक होते हैं जिसके द्वारा ये लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। वैसा ही लिंक मेरे पास है, बट हो सकता है वो विदेश की, वो विदेश का जो सर्वर हो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। बट ऐसा नहीं है भाई, इनके नेट प्लस पे ही दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि ऐसी दिक्कत होती तो BSNL पे ना वर्क करता, ना ही मैंने चेक किया था मेरे Jio की 5G सिम के
ऊपर भी मैंने चेक किया था मोबाइल से हॉटस्पॉट देके, तो उसमें भी लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी चलती है, बट नेट प्लस में ही दिक्कत है। ठीक है, सो काफ़ी सारी कंप्लेंट डाली नेट प्लस को मैंने, भाई मैंने कहा भाई नेट प्लस, मैंने कहा भाई नेट प्लस वाले को काफ़ी सारी कॉल्स की, बट वो टेक्नीशियन टीम बात कर लेती है, वो बोल रहे हैं कि सारा कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल ऑपरेटर से बात करें तो लोकल ऑपरेटर को कहें कि मॉडम चेंज कर दे। ठीक है, लोकल ऑपरेटर बोल रहा है कि भाई मैंने चेक किया है, सारा कुछ सही है, तार वगैरह भी ठीक है, कोई बफरिंग नहीं हो रही, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, आपका मॉडम भी ठीक है, क्योंकि मॉडम मैंने दो बार चेंज करवाया है। ठीक है, जो तीसरी बार ये वाला मॉडम मेरे लगा हुआ है जो कि नोकिया का है, ड्यूल बैंड राउटर है। फिर मैंने वैसा ऐसा करके एक जलंधर के इंजीनियर का नंबर लिया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जैसा आप बोल रहे हो, मेरे पास से तीन केस पहले भी आ चुके हैं, उन्होंने भी बोला था कि हमें भी लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कि उन्होंने बोला कि हमने उनको 500 MBPS वाला प्लान, मतलब कि हाईएस्ट प्लान लेके भी दे दिए, मतलब कि 1 GBPS के प्लान भी लेके मैंने उनको दे दिए, बट उनके लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम नहीं हटी। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला कि एक बंदे को हमने स्टैटिक आईपी लेके भी दे दी, तब भी नहीं हटी। बट मैं बात करूं कि स्टैटिक आईपी मैं भी ट्राई करना चाहता था कि हो सकता है स्टैटिक आईपी लेने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट भाई इनकी सर्विस इतनी घटिया है, मैं क्या बताऊं कि मैं इनको कॉल कर करके थक गया हूं भाई। लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं भाई, मैंने रिक्वेस्ट को लॉगिन करवाए हुए, ना तो वो टिकट को क्लोज करते हैं, ओपन छोड़ी है, ना ही मेरे को स्टैटिक आईपी दे रहे हैं। ठीक है, और ये सितंबर का महीना भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, मैंने सोचा था कि सितंबर के महीने से पहले पहले ये मेरे को स्टैटिक आईपी दे दे और मैं अपना RTMP जो सर्वर है वो लाइव स्ट्रीमिंग में करके देख लूँ स्टैटिक आईपी पे, कि अगर तो ठीक चलती होगी तो मैं इनका प्लान कंटिन्यू करूँगा, ब्रॉडबैंड कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं चलेगी तो कंटिन्यू नहीं करूँगा। बट भाई ये बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यू करो मत, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक आईपी नहीं दे रहे। ठीक है, मैंने उनको साफ बोल दिया, मेरे को कॉल आई थी, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, बोल रहे थे कि भाई 5 मंथ का बिल जैसे आपने पहले दिया था वैसे आप देना चाहोगे। मैं भाई भड़क गया, मैंने कहा मैं किस बात के मैं 5 मंथ के आपको इकट्ठे बिल दूँ, जिस बात के लिए मेरे को आपका कनेक्शन चाहिए, जिस बात के मैंने आपको पैसे देने हैं, अगर वही सर्विस, वही क्वालिटी, वही चीज़ मेरे को अब मिल नहीं रही भाई, तो मैं आपको 5 मंथ बिल दे के भाई कि हराम की कमाई थोड़ी है भाई, 5 मंथ का बिल दे दूंगा। ठीक है, कोई नेट प्लस से देख रहा है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको भी प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे सकता हूँ। ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आप मेरे को ईमेल करें, ठीक है, और मैं आपको कस्टमर आईडी बताऊंगा अपनी, और कंपनी का जो भी आपका कंप्यूटर होता है उसमें डाल के चेक कर लेना भाई, कितनी कंप्लेंट डाली हुई है, कितनी कॉल किए हुए हैं। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है भाई नेट प्लस ब्रॉडबैंड की। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं कि भाई आपको लेना चाहिए या आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल यूज़र्स है उनको तो ठीक है भाई, उनको ले लेना चाहिए। ठीक है, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंक्लूडेड यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उनको ले लेना चाहिए, अगर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हो तो भी लेना चाहिए, बट उनको नहीं लेना चाहिए भाई जो मतलब कि स्टैटिक आईपी ये जल्दी देते नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे को नहीं दे रहे। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट का कोई काम करना है, कोई ऐसा प्राइवेट मतलब ऐसा सिक्योर काम करना है, जैसा कि मैं एक टीवी चैनल को हैंडल करता हूं, तो अगर वो काम करना है तो वो इस पर नहीं चलता भाई। बहुत सारे विदेश में टीवी चैनल चलते हैं जो कि इंडिया से ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा काम करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कर रहे हो, या फिर करना चाहते हो, नेट प्लस भाई भूल के मत लेना। गांव क्षेत्र में रह रहे हो तो जियो की तरफ चले जाना भाई, एयरटेल की तरफ चले जाना, अगर अगर भाई ये काम करना चाहते हो। ठीक है, अगर तो नहीं काम करना चाहते आप कोई भी, जैसा मैं कर रहा हूँ RTMP सर्वर वाला, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है ये लाइव टीवी चैनल वाला, मोस्टली भाई सारे लोग नहीं करते। ठीक है, सो चुनिंदा ही लोग करते हैं, चुनिंदा ही भाई करते हैं, सारे लोग नहीं करते। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, इसमें ये दिक्कत है, सॉल्व नहीं हो रही, 3 मंथ से लगातार प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, सितंबर के महीने में एंड होने वाला है भाई नेट प्लस, एंड कर दूंगा, बाय बाय कर दूंगा, गुड बाय कर दूंगा। हाँ, अगर जियो का एयर फाइबर जल्द से जल्द लेने के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर एयरटेल का एयर फाइबर ले लूँगा, क्योंकि भाई उनके वायरलेसली जो है वो वायरलेसली है भाई, उनके थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी हो रही है, RTMP जो सर्वर है, RTMP लिंक है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बट इनकी जो तार वाला है यार वो ही अच्छा नहीं चल रहा भाई, क्या यार मेरे को समझ नहीं आता भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सो बात करूं भाई, मैं एक छोटी सी बात बताना भूल गया कि आप बोल रहे हो कि लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं, कहीं वायरलेसली तो नहीं कर रहे आप,
तो इसीलिए बफरिंग आ रही है भाई, वायरलेसली कौन करता है। पहले तो लाइव स्ट्रीमिंग अगर मैं घर पे करूँगा तो भाई वायर लगा के करूँगा ना, मेरे को इतना तो मालूम है कि वायर लगा के ज़्यादा स्टेबल इंटरनेट आता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट पूछना चाहते हो मुझसे, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भाई इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, बोलते हैं फ्री इंस्टॉलेशन, भाई फ्री इंस्टॉलेशन आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, शहर में रहते हो तब मिल सकती है, गांव में रहते हो कभी भी फ्री इंस्टॉलेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको पे करना ही करना होगा, 2500 भी पे करना पड़ सकता है, 1500, 2000, 1000 कुछ भी पे करना पड़ सकता है। मैं प्लान के साथ नहीं बोल रहा हूँ भाई, प्लान के एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आपको 5 मंथ का इकट्ठा देना है। सो भाई एक और नेगेटिव बात की मैं बात कर लेता हूँ नेट प्लस की। क्या नेगेटिव बात है कि जो इनकी कॉलिंग फैसिलिटी है वो भी इतनी कुछ खास नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, जो स्मार्ट टेलीफोन ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, बंदा कहाँ पे उसको लेने जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी से डाउनलोड करोगे भाई, थर्ड पार्टी से डाउनलोड करनी पड़ेगी फिर तो। ठीक है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप डाउनलोड कर भी लोगे, इंस्टॉल कर भी लोगे अपने स्मार्टफोन में स्मार्ट टेलीफोन ऐप जिसके द्वारा आप कॉल कर सकते हैं, वो कई कई फ़ोनों में वर्क नहीं करती। ठीक है, अगर वर्क करने भी लग जाएगी भाई, उसमें मतलब कि आप फ़ोन मिलाते हो किसी टाइम मिलता ही नहीं है, अगर वापस उस पर करते हो नंबर पे तो वो भी नहीं आता। अगर लैंडलाइन करके आप किसी को मिलाते हो लैंडलाइन से, किसी टाइम मिलता नहीं है, अगर वापस उस पर करते हो तब भी आता नहीं है भाई। ये मेजरली मेरे को ऐसा दिक्कत आई है, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो इनका जो है टेलीफोन लाइन चलती नहीं है भाई। ठीक है, और भाई सीधी सी बात बता रहा हूँ, जिस काम के लिए भी लेना चाहते हो भाई, ठीक है, अगर आप मेरे को डिटेल से कुछ अपना स्पेसिफिक काम है, ठीक है, उसके बारे में मुझसे पूछना चाहते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपको डेडिकेटेड मतलब कि एक अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा कि जो आप काम के लिए लेना चाहते हो नेट प्लस आपके लिए अच्छा है या नहीं है। क्योंकि भाई 1.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास नेट प्लस को, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, मतलब कि यूज़ किया है मैंने। सो इसके बारे में मैं आपको खुल के बता सकता हूँ। तो आशा रखता हूँ भाई वीडियो बढ़िया लगी होगी, अगर बढ़िया लगी तो लाइक जरूर कर दें। हाँ, कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो भाई कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करता रहता हूँ और करूंगा भी। भाई सब्सक्राइब कर देना टेक पत्र यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। टिल द नेक्स्ट डे ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।